हाई एवरी वन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस. होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड. सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 1, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर के एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक के बारे में, जो कि चूज़ किया है मैंने यूनिट नंबर 6 से. सो यूनिट नंबर 6 का ये पार्ट 3 होगा. यूनिट नंबर 6 जो कि है परसेप्शन, एंड इससे पहले जो पार्ट थे उसमें मैंने बताया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन, एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट दी स्टेजेस और द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन. तो हमारी जो परसेप्शुअल प्रोसेस थी उसके बारे में हमने जाना था, कौन कौन सी स्टेजेस उसमें इंक्लूडेड थी. तो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों वीडियोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन, एंड विल ऑल्सो इंक्लूड सम एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जो कि परसेप्शन प्रोसेस को या फिर परसेप्शन को किसी इंडिविजुअल के उसको इम्पैक्ट करते हैं. ठीक है, तो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये, और वीडियो के एंड तक आप बहुत सारे पॉइंट्स सीखने वाले हैं. तो आगे बढ़ते हैं, एंड आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा हमारा जो मिशन है डेट इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स. सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट, एंड उसके लिए मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा. आप भी अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम्स बहुत जल्द आने वाले हैं. एंड जितना हो सके मेहनत कीजिए और इस तरीके से पढ़िए कि वो लॉन्ग टर्म आपको समझ में आए और लॉन्ग टर्म याद रहे. जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ें इस तरीके से पढ़ें कि लॉन्ग टर्म वो आपको क्या कर सके, बेनिफिट प्रोवाइड कर सके. सो दैट इज़ द एंटायर पर्पस ऑफ दिस चैनल. ये चैनल आपकी स्टडीज़ को इजी तो बनाएगा ही, साथ ही आपको आपके कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे उनको लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने में हेल्प करेगा. ओके, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए बाय सब्सक्राइबिंग, एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू गिव नोटिफिकेशन अबाउट द न्यू वीडियोस दैट आई विल बी अपलोडिंग, और आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. और मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं. तो हमारा जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, हम करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन विद एग्जाम्पल्स. नाउ एक डायग्राम के थ्रू पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो देर आर 3 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द परसेप्शन. तो सबसे पहला है परसीवर वेरिएबल्स, यानी कि फैक्टर्स इन दी परसीवर. वो इंडिविजुअल जो कि परसेप्शन क्रिएट करता है वो परसीवर कहलाता है. ठीक है, तो वो परसीवर्स के वेरिएबल, यानी कि वो सारे यू नो पॉइंट्स और चीज़ें जो कि एक परसीवर की वजह से उसका परसेप्शन इम्पैक्ट करेंगी, तो वो हम कहते हैं परसीवर वेरिएबल्स. एंड इसको आप एक और नाम से बोल सकते हैं, फैक्टर्स इन द परसीवर. नाउ द सेकेंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द परसेप्शन इज सब्जेक्ट कैरेक्टराइस्टिक. तो जिस सब्जेक्ट को या जिस ऑब्जेक्ट को परसीव किया जा रहा है उसकी कैरेक्टराइस्टिक्स भी क्या करेंगी, बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगी आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने में. और इसको आप एक और नाम से जानते हैं, फैक्टर्स इन द टारगेट. फैक्टर्स इन द टारगेट. नाउ द थर्ड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल इज़ रिलेटेड टू सिचुएशनल वेरिएबल्स. यानी कि जिस सिचुएशन में आप किसी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन का भी एक बहुत क्रूशियल रोल होगा आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने में. तो सिचुएशनल वेरिएबल्स इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द परसेप्शन प्रोसेस, और इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स इन द सिचुएशन. ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को. पहला है परसीवर वेरिएबल्स, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स इन द परसीवर. आई रिपीट, परसीवर वेरिएबल्स, फैक्टर्स इन द परसीवर. दूसरा है हमारा सब्जेक्ट कैरेक्टराइस्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स इन द टारगेट. आई रिपीट, सब्जेक्ट कैरेक्टराइस्टिक्स, फैक्टर्स इन द टारगेट. एंड द लास्ट वन इज सिचुएशनल वेरिएबल्स, फैक्टर्स इन द सिचुएशन. तो गाइज, तीनों पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है, और मैं इनको 3 सेपरेट वीडियोस में प्रोवाइड करूँगा. अगर सिंगल वीडियो में रखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, विच मे नॉट बी ओके फॉर यू ऑल. तो अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द परसीवर वेरिएबल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, और इस पर्टिकुलर फैक्टर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे. एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कैरेक्टराइस्टिक्स के बारे में, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द सिचुएशनल वेरिएबल्स. ओके, तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अपना सबसे पहला फैक्टर जो कि है परसीवर वेरिएबल्स. ठीक है, फैक्टर्स इन द परसीवर.
So point number one says several characteristics of the perceiver can affect perception. When an individual looks at a target and attempts to interpret, that interpretation is heavily influenced by personal characteristics of the individual perceiver. So guys, कोई भी perceiver हो, उसकी अपनी characteristic, individual characteristic उसके perception को impact करती है. ये मैटर करता है किस तरीके से एज एन इंडिविजुअल आप अपने टारगेट को देखते हो और उसको इंटरप्रेट करने का अटेम्प्ट करते हो, और जिस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन करते हो अपने टारगेट का, ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है आपके पर्सनल कैरेक्टराइस्टिक्स पर. आप एज एन इंडिविजुअल कैसी कैरेक्टराइस्टिक्स रखते हो, क्या एटीट्यूड है, क्या मूड है, ये सारी चीज़ें आपका क्या करेंगी परसेप्शन क्रिएट करने में किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, आपका परसेप्शन क्रिएट करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगी. एंड दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल. नाउ द मेजर कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ द परसीवर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन आर एटीट्यूड्स, मूड्स, motives, self-concept, interest, cognitive structure and expectation. तो ये कुछ important variables हैं जो कि एक individual में आपके होते हैं, ठीक है. तो कुछ characteristics हैं जो कि हर किसी individual के अंदर होती हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, depend करता है उस individual के personality पर. तो attitude हो गया, mood हो गया, motive हो गया, self-concept हो गया, interest हो गया, cognitive structure क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे further slides में. आप expectation क्या रखते हैं अपनी life से, दूसरे लोगों से. तो ये सारी चीज़ें, ये characteristics आपके perception को impact करती हैं कहीं ना कहीं. तो इन सातों पॉइंट्स को अभी आप याद कर लीजिए और वन बाय वन हम फर्दर स्लाइड्स में इनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टराइस्टिक है दैट इज़ एटीट्यूड्स. तो देखते हैं एटीट्यूड्स किस तरीके से आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है. सो द परसीवर्स एटीट्यूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस द परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मिस्टर एक्स इज इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, अ पोजिशन दैट रिक्वायर्स नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद सप्लायर्स मोस्ट ऑफ हुम आर मेल. तो गाइज, किसी भी परसीवर का या इंडिविजुअल का एटीट्यूड बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है उसके परसेप्शन को इम्पैक्ट करने में. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है हमारे मिस्टर एक्स के नाम से, जिनका काम है कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना, और जो ये इंटरव्यू लेंगे कैंडिडेट्स का वो एक पोजीशन के लिए होगा जिसमें बहुत अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने हैं अपने सप्लायर्स के साथ में. तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो आपकी यू नो कैंडिडेट्स को मिलती हैं वो मेल्स होते हैं. तो मिस्टर एक्स मे फील दैट वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग their own in tough negotiation. तो यहाँ पर जैसा कि मिस्टर एक्स करते हैं, और मोस्टली जो कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए वो मेल्स होते हैं, तो इससे उनका एक परसेप्शन बनता है कि जो वुमेन हैं वो कैपेबल नहीं है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और वो टफ नेगोशिएशन में प्रॉपरली डील नहीं कर सकती, उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकती. तो ये उनका परसेप्शन बन गया है. तो अब इससे क्या होगा, दिस एटीट्यूड विल अफेक्ट हिज परसेप्शंस ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स ही विल इंटरव्यू और ही इंटरव्यूज. तो इससे जो फीमेल कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू करेंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो अपनी परसेप्शन के बेसिस पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिजेक्शन ही प्रोवाइड करेंगे उनको. तो ये चीज़ आपको समझनी है कि किस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, वो इम्पैक्ट करेगी आपके टोटल परसेप्शन को. ओके, आई एम श्योर कि एग्जांपल समझ में आ चुका होगा. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है मूड्स. तो मूड जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, और यू नो एक स्ट्रॉन्ग वे में इन्फ्लुएंस करता है किसी भी इंडिविजुअल के परसेप्शन को. वी थिंक डिफरेंटली व्हेन वी आर हैप्पी देन वी डू व्हेन वी आर डिप्रेस्ड. तो जब हम खुश होते हैं तो हम एक यू नो हैप्पी मूड में चीज़ों के बारे में सोचते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से सोचते हैं, और जब हम डिप्रेस होते हैं तो कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो हम उसको नेगेटिवली ही लेते हैं. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मूड आपका कैसा है, ये भी आपके परसेप्शन को क्रिएट करेगा, डिफाइन करेगा. नाउ इन एडिशन वी रिमेंबर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कंसिस्टेंट विद आर मूड स्टेट
बेटर दैन इंफॉर्मेशन दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद आर मूड स्टेट. तो जब अपने हम मूड में होते हैं तो हम अच्छे से चीज़ों को याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है. और जब हम अपने मूड में नहीं होते तो उस टाइम पर इतनी इनकन्सिस्टेंसी होती है कि हम इंफॉर्मेशन को ठीक से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते. रिमेंबर रखना तो दूर की बात हो जाती है. Now when in a positive mood we form more positive impressions of others. तो जब हम positive mood में होते हैं तो हम positive impressions create करते हैं दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में. But when we are in a negative mood we tend to evaluate others unfavorably. और जब हम negative mood में होते हैं तो negatively ही judge करते हैं, चाहे वो चीज़ हो, लोग हो, कुछ भी हो. तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मूड में पॉजिटिव इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं दूसरे लोगों या चीज़ों के बारे में, और नेगेटिव मूड में नेगेटिव इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं और ये आपके परसेप्शन को और क्या कर देते हैं, बुरा बना देते हैं. ओके, तो आई एम श्योर कि ये समझ में आ चुका होगा मूड्स कैसे आपके यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं. और मूड जो है बेसिकली क्या है, परसीवर्स वेरिएबल का पार्ट है जो कि इम्पैक्ट करता है परसेप्शन को. तो देख लीजिए, मूड जब आप हैप्पी होते हो तो सब कुछ अच्छा होता है, जब आप सैड होते हो तो अच्छी सिचुएशन भी बैड हो जाती है आपके लिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव मोटिव्स. किस मोटिव के साथ में आप जज कर रहे हो अपने सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. सो मोटिव्स ऑफ द परसीवर ऑल्सो हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द परसेप्शन. Unsatisfied needs or motives stimulate individuals and may exert a strong influence on their perceptions. तो जो perceiver है उसका motive क्या है वो भी उसके perception को काफ़ी impact करेगा. अगर कोई भी ऐसी unsatisfied need है या motive है तो वो individual को stimulate करेगी, यानी कि उसको provoke करेगी ताकि वो क्या करे, effort डाले और you know अपने उस unsatisfied need को या फिर motive को achieve करने के लिए आगे बढ़े. तो इससे भी आपके परसेप्शन पर एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ता है कि आपका मोटिव अनसेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है. सेटिस्फाइड मोटिव है तो आपको कितनी भी अच्छी चीज़ मिल जाए आप मे बी उसको कंसीडर ना करो. नाउ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन बॉस हु इज़ इनसिक्योर परसीव्स अ सबऑर्डिनेट्स एफर्ट्स टू डू एन आउटस्टैंडिंग जॉब एज अ थ्रेट टू हिज और हर ओन पोजिशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हमारा एक बॉस है, मान लेते हैं उसका नाम है एक्स. ओके, मिस्टर एक्स हमारे बॉस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन थोड़े से ना उनके स्किल्स में कमी है. ठीक है, वो इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं है. तो जब भी वो किसी सबऑर्डिनेट को देखते हैं जो कि एफर्ट करता है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है तो उनको वो एक थ्रेट के तौर पर देखते हैं. ठीक है, उनको लगता है कि ये बंदा मेरी पोजीशन ले लेगा. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये एक नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हो रहा है उनके माइंड में अबाउट देयर सबऑर्डिनेट्स हु इज़ परफॉर्मिंग गुड. नाउ पर्सनल इनसिक्योरिटी अकर हो रही है यहाँ पे. सो पर्सनल इनसिक्योरिटी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द परसेप्शन दैट अदर्स आर आउट टू गेट माय जॉब रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंशन ऑफ द सबऑर्डिनेट. तो अब इस पर्सनल सिक्योरिटी के बेसिस पर उनको लगेगा कि भाई अब जितने भी इंडिविजुअल्स जो कि अच्छी स्किल्स के साथ आते हैं वो उनका जॉब ले सकते हैं. तो ये उनके दिमाग में परसेप्शन बन जाएगा, मोटिव यही रहेगा कि अब उनको ऐसे लोगों को हायर करना है जो उससे कम स्किलफुल हों. ठीक है, ताकि वो थ्रेट ना बने उनकी पोजीशन के लिए. तो ये भी क्या करेगा, एक नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा. यहाँ पर जो परसेप्शन क्रिएट होगा मिस्टर एक्स के थ्रू वो उनके ही ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा भले ही. तो इसके लिए उनको पहले कोशिश करनी है कि इंटेंशन क्या है उनके सबऑर्डिनेट का. अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके अंदर स्किल है, तो दैट शुड बी ग्रूम्ड. अगर आप में कमी है तो आप उसको ग्रूम कीजिए. दैट इज़ समथिंग विच यू कैन डू इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस और फीलिंग यू नो इनसिक्योर अबाउट इट. तो नाउ हमारा मोटिव वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. ठीक है, तीन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हमने. अब चौथे पॉइंट पर आते हैं जो कि है सेल्फ कॉन्सेप्ट. तो किस तरीके से आप अपने बारे में सोचते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ द परसीवर. ओके, सो अनदर फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस द परसेप्शन इज द परसीवर सेल्फ कॉन्सेप्ट. एन इंडिविजुअल विद अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट टेंड्स टू नोटिस पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स इन अनदर पर्सन. ऑन द अदर हैंड, अ नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन लीड अ परसीवर टू पिक आउट नेगेटिव ट्रेट्स इन अनदर पर्सन. तो अगर आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, दूसरे लोगों में भी उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट या क्वालिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे, उनको नोटिस करेंगे. लेकिन अगर आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव है,
ठीक है, आप अपने आप को ही लाइक नहीं करते तो दूसरों को क्या लाइक करेंगे। तो उस सिचुएशन में आप नेगेटिव ट्रेड्स या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स दूसरे लोगों के क्या करेंगे, नोटिस करेंगे या पिकआउट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद को लाइक करते हैं, खुद को पॉजिटिवली देखते हैं, तो उस सिचुएशन में आप दूसरों के भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को नोटिस करेंगे। लेकिन आप खुद को ही लाइक नहीं करते और खुद को ही नेगेटिवली देखते हैं, तो इस सिचुएशन में कितना भी स्किलफुल बंदा आ जाए आपके सामने, आप उसको भी नेगेटिव ही देखेंगे, उसके भी जो क्वालिटीज़ हैं उनको आप नेगेटिवली जज करेंगे। नाउ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ अलाउज अस टू हैव मोर एक्यूरेट परसेप्शंस ऑफ अदर्स, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आपको आपके बारे में, उतना ही अच्छे से आप दूसरों के परसेप्शन के बारे में जजमेंट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी अच्छी नॉलेज आपको या जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको अपने बारे में, उतना ही अच्छे तरीके से आप दूसरों को क्या कर पाएंगे, दूसरों को जज कर पाएंगे, उनके परसेप्शन को एक्यूरेटली एनालाइज कर पाएंगे। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव इंटरेस्ट। तो आपका इंटरेस्ट कैसा है चीज़ों में, दैट विल ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन। सो द परसेप्शन ऑफ द परसीवर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर इंटरेस्ट। सिंस आर इंडिविजुअल इंटरेस्ट डिफर कंसिडरेबली, वॉट वन पर्सन नोटिसेस इन अ सिचुएशन कैन डिफर फ्रॉम वॉट अदर पर्सन परसीव। तो गाइज, हर एक इंडिविजुअल का अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ पर you know, पूरे ग्रुप का या ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली एम्प्लॉयज़ का जो इंटरेस्ट होता है वो सेम चीज़ों में होता है, ठीक है। तो इस डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है, एक पर्सन जो एक सिचुएशन में चीज़ों को नोटिस करता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नोटिस कर पाता है, दूसरा उसमें नहीं कर पाता। और अगर दूसरा बंदा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो वो उसमें ज़्यादा आपके यू नो एट्रीब्यूट्स या फिर उसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट कर पाता है एज़ कम्पेयर टू अदर जिसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो ऑब्वियस ही बात है, तो उसके लिए पढ़ाई के प्रति एक पॉजिटिव परसेप्शन होगा कि पढ़कर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आई कैन इम्प्रूव माई लाइफ, आई कैन गेट अ गुड जॉब। और जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, खेलना अच्छा लगता है, तो उसके लिए पढ़ाई एक बोझ की तरह हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट यू नो द मेन कंसर्न इज़, कि इंटरेस्ट आपका आपके किस फील्ड में है वो भी डिफाइन करेगा आपका परसेप्शन उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं, द सुपरवाइजर हु हैज़ जस्ट बीन रेप्रीमेंडेड बाय हिज बॉस फॉर कमिंग लेट इज मोर लाइकली टू नोटिस हिज कलीग्स कमिंग लेट टुमारो देन ही डिड लास्ट वीक। इफ़ यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद अ पर्सनल प्रॉब्लम यू मे फाइंड इट हार्ड टू बी अटेंटिव इन क्लास। तो दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। पहला एग्जाम्पल जहाँ पर क्या हुआ कि एक सुपरवाइज़र था, ठीक है, जो कि कुछ दिनों से लेट आ रहा था, तो उसको उसके मैनेजर ने क्या करा, डांट दिया इस चीज़ के बारे में कि आप डेली लेट आ रहे हो एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कमिंग टाइमली फ्रॉम टुमारो। तो अब जो सुपरवाइज़र था वो अपने जो कॉलीग्स हैं उनको भी नोटिस करना शुरू कर देगा अगले दिन से कि वो टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो देखिए परसेप्शन, अब वो देखेगा कि वो टाइम से नहीं आ रहे तो मैं क्यों टाइम से आऊँ। ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, भले ही जब तक उसके बॉस ने उसके मैनेजर ने उसको डाटा नहीं था तब तक उसको कोई फ़र्क नहीं था कि कौन टाइम से आ रहा था कौन टाइम से नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसको डांट पड़ी जस्ट फॉर कमिंग लेट टू इन टू दी ऑफिस, ही स्टार्टेड नोटिसिंग अदर्स एज वेल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि परसेप्शन आपके इन पॉइंट से भी क्रिएट हो जाता है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई आपका बहुत अच्छा टॉपिक है या सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना पसंद है, लेकिन आप अभी प्री ऑक्यूपाइड हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में, तो उसकी वजह से भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, उस अपने सब्जेक्ट पर जिस पे आपका इंटरेस्ट है उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि आपकी क्या करेंगी, एक एक सिचुएशन क्रिएट करेंगी जो कि आपके परसेप्शन को नेगेटिवली क्रिएट कर देगा। तो आपका इंटरेस्ट मान लीजिए किसी चीज़ में नहीं है और वो आपको काम ज़बरदस्ती करवाया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। नाउ विल टॉक अबाउट द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, कि इंडिविजुअल की पैटर्न ऑफ थिंकिंग। आई रिपीट, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज़ एन इंडिविजुअल्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग। तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल सोचता है, उसका पैटर्न क्या है थिंकिंग का, वो कहलाएगा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और ये भी अफेक्ट करता है परसेप्शन को।
Some people have a tendency to perceive physical traits such as height, weight, and appearance. Others tend to focus more on central traits or personality dispositions. तो कुछ लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों को जज करते हैं उनके फिजिकल ट्रेट्स के बेसिस पर, जैसे कि हाइट के बेसिस पर, वेट या अपीयरेंस के बेसिस पर, उनके ड्रेसिंग स्टाइल के बेसिस पर, और कुछ होते हैं जो उनके मेंटल स्किल्स पर, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स पर, उनके पर्सनालिटी के एटीट्यूड पर क्या करते हैं, उनको जज करते हैं कि उनका एटीट्यूड कैसा है चीज़ों को लेकर, नॉलेज कैसी है उनकी चीज़ों को लेकर. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं. तो अब किस तरीके से आप, हर इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों में होता है. आप किसी मॉडल को देखेंगे तो वो अपनी यू नो पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर ज़्यादा फोकस देगा, वहीं पर एक साइंटिस्ट को, डॉक्टर को देखेंगे तो वो पर्सनालिटी से ज़्यादा अपना यू नो अपने ऑक्यूपेशन पर फोकस देगा. Now, cognitive complexity allows a person to perceive multiple characteristics of another person rather than attending to just a few traits. तो cognitive जो structure होता है individuals का, वो काफ़ी ज़्यादा complex होता है, और इसकी वजह से कभी कभी आप बहुत सी characteristics के basis पर क्या करते हैं, judge करते हैं और perception create करते हैं किसी भी individual के बारे में. जबकि आपके जो job है उसमें वो उन particular traits का, या फिर you know यस पर उन पर्टिकुलर ट्रेड्स का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन स्टिल आपको अच्छा लगता है उन चीज़ों के बारे में जानना. आपको आप लाइक करते हो ऐसी करेक्टराइस्टिक्स को, तो आप ज़रूर उनको इंक्लूड करोगे वाइल जजिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ गाइज, अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें वो है एक्सपेक्टेशंस. तो एक्सपेक्टेशंस भी क्या करती हैं, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं आपके परसेप्शन को क्रिएट करने में. सो expectations are related with the state of anticipation of particular behavior from a person. The expectation क्या होती है, एक ऐसी state जहाँ पर हम दूसरे लोगों से एक particular behavior को expect करते हैं. For example, आपके parents आपसे expect करते हैं कि आप study करें, अच्छे marks लाएं और life में successful बने. तो ये उनकी expectations हैं. आप पढ़ेंगे तो उनको पूरा करेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल. सो दस अब इसको एक एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे. देर इज़ अ टेक्निकल मैनेजर एंड उसको ऐसा लगेगा, मान लीजिए कोई भी आपने अगर टेक्निकल इंडिविजुअल या मैनेजर से आज तक बात करी होगी तो आपको पता होगा कि वो बहुत सारे टर्म्स ऐसे यूज़ करेंगे जो कि टेक्निकल होंगे, जो आपके सिर के ऊपर से जा रहे होंगे. तो ऐसी सिचुएशन है, जितने भी टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं ना, उनको जब भी फीडबैक मिलता है तो वो आगे जाके यही करते हैं कि कोशिश यही करते हैं जितना हो सके टेक्निकल टर्म्स को यूज़ ना करें. और फिर उस टाइम पर उनका जब परसेप्शन बन जाता है, वो भूल जाते हैं कि आगे वाला इंडिविजुअल उसको पता है उन टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं. क्योंकि ऐसी सिचुएशन पास्ट में आई थी जहाँ पर उन्होंने एज्यूम करा था कि उनको पता होगा, और ऐसी सिचुएशन में उनको नहीं पता था. तो ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं काफ़ी एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कर देती हैं लोगों के बारे में, या फिर सिचुएशंस के बारे में जो कि इंटरनल होती है किसी भी इंडिविजुअल के. सो देयर इज़ अ मैनेजर हु इज़ अ टेक्निकल मैनेजर बेसिकली, एंड ही एक्सपेक्ट दैट नॉन टेक्निकल पीपल विल बी इग्नोरेंट अबाउट द टेक्निकल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. तो ऐसी परसेप्शंस होती है बहुत सारे टेक्निकल मैनेजर्स की, जितने भी कि नॉन टेक्निकल लोग होते हैं उनको प्रोडक्ट के टेक्निकल फीचर्स से फ़र्क नहीं पड़ता. बट ऐसा हर बार नहीं होता, ये उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और मोस्टली केसेस में लोगों को फ़र्क पड़ता है. दे फोकस ऑन द टेक्निकल फीचर्स. अब आप कोई फ़ोन परचेज करते हैं तो इवन यू सी द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट फ़ोन. लैपटॉप खरीदते हैं उसमें भी देखते हैं, तो आजकल चीज़ें खरीदते हुए भी आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि अब आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है उन चीज़ों के बारे में. ओके, तो गाइज यहाँ पर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए अपने सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में, जो कि था परसीवर्स वेरिएबल्स. ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में. इसके अलावा मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड और थर्ड वेरिएबल्स के बारे में. एंड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं. एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स. बाय बाय.